राज्य के दो मंत्रियों ने आज राजीव भवन में बैठकर कांग्रेस के लोगों से समस्याएं सुनी। सबसे ज्यादा आवेदन तबादलों को लेकर आ रहे हैं। स्वस्थ होने पर के बाद भी रविंद्र चौबे पहली बार राजीव भवन पहुंचे, जिसके बाद कांग्रेस ने ये व्यवस्था बनाई है कि कांग्रेस जनों की समस्याओं के निराकरण के लिए हर दिन एक मंत्री राजीव भवन में लोगों की समस्याएं सुनेगा। खरीद के लिए जितने दलहन तिलहन और धान की बीज की जरूरत है, हमारा निगम भी और कृषि विभाग भी राज्य में लगभग हम पूरा कर रहे हैं। हमने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को ना तो बीज की कमी होनी चाहिए ना खाद की कमी होनी चाहिए। 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी करने के कारण पिछले साल 80 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी हुई थी। आने वाले वर्षों में हमारा धान का रकबा बढ़ेगा। आ रही है समस्या, इतनी आ रही है, लेकिन अभी तबादला का भी कोई निर्णय अभी हुआ नहीं है। जब तबादला का जब निर्णय होगा, उसके दिशा निर्देश मिलेंगे, किस प्रकार से होंगे, क्या उनकी गाइडलाइन रहेगी, क्या दिशा निर्देश रहेगा, कितना करना है, कितना नहीं करना है, किस किस सहयोग से करना है, किसका संस्था से करना है, ये सारी बातें बाद में होगी।